जब भी आप किसी एक पोजीशन में अपने शरीर को काफी देर तक रखते हो, जैसे आप जब भी पलथी मार के बैठते हो या फिर किसी योग आसन में एक ही पोजीशन में काफी समय तक बैठे रहते हो, तो आपके पैरों में या आपके हाथों में झुनझुनी से चढ़ने लगती है। जब आप चलने का प्रयास करते हो तो आपको लगता है कि तुरंत बस ये जो सेंसेशन हो रही है तुरंत ये शांत हो जाए। ये बिल्कुल मीठा सा दर्द होता है। इसमें शरीर का वो पर्टिकुलर अंग सुन्न पड़ जाता है। आखिर ऐसा होता क्यों है, और अगर ऐसा हो जाता है तो उसे तुरंत सही कैसे किया जाए? बिल्कुल काम का है ये वीडियो आपके लिए। अगर ये जान जाओगे ना, तो कम से कम उस मीठे से दर्द से आप तुरंत ही, या कहो कि उस मीठे से झुनझुनाहट से आपको मुक्ति मिल जाएगी। सबसे पहले हम कारण जान जाएंगे और उसके बाद निवारण भी जानेंगे। देखिए, सबसे पहले कारण जानते हैं। हम जी रहे हैं इस धरती पर केवल और केवल ऑक्सीजन के कारण से। ऑक्सीजन हमारे शरीर में जाता है तो हर एक सेल को एनर्जी देता है। कैसे? ये सेल में पहुंचकर वहां पर ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करते हैं, जिसके वजह से वहां पर एनर्जी जनरेट होती है और इसी कारण से हम जी पाते हैं। जब यही ऑक्सीजन किसी सेल या किसी पर्टिकुलर अंग में कम हो जाता है, हाइपोक्सिया जैसे, तो वो पर्टिकुलर ऑर्गन डेड हो जाता है। इसीलिए तो इसे कहा जाता है प्राणवायु। अगर प्राण ना हो ना, यानी शरीर में ये प्राणवायु ना हो, तो ये जीवन बिल्कुल नामुमकिन होगा। और ये केवल हमारे शरीर पर ही नहीं, बल्कि हमारे शरीर के एक एक सेल पर लागू होता है। जैसे ही शरीर के किसी पर्टिकुलर अंग में ऑक्सीजन की कमी होती है, तो हमारा ब्रेन हमें ये सिग्नल देता है कि शरीर के इस अंग को ऑक्सीजन चाहिए, तुरंत कुछ ऐसा करो, लंबी लंबी सांसें लेना शुरू करो या मूवमेंट शुरू कर दो, जिससे शरीर के उस अंग को ऑक्सीजन मिल सके। देखिए, जब हम किसी एक पोजीशन में बहुत ज्यादा देर तक बैठे रहते हैं, तो वहाँ पर ब्लड वेसल्स, जो ब्लड को कैरी करते हैं, जो हर एक सेल तक ब्लड को पहुँचाते हैं, वो दब जाते हैं। और आपको ये बात तो पता ही होगा कि ब्लड में RBC ही है जो ऑक्सीजन के साथ बाइंड होकर एक एक सेल तक ऑक्सीजन पहुँचाता है। अब जैसे ही नस के दबने से किसी एक सेल को ऑक्सीजन की कमी महसूस हुई, वहाँ ब्रेन हमें झुनझुनी जैसा महसूस करवाने लगता है। ये नर्वस सिस्टम का काम होता है, यानी शरीर आपको ये कहना चाहता है कि तुरंत ही उस पर्टिकुलर अंग को ऑक्सीजन प्रोवाइड कराओ, नहीं तो ऑक्सीजन डेफिशिएंसी की वजह से वो अंग डैमेज भी हो सकता है। तो अब शरीर में किसी पर्टिकुलर अंग में ऑक्सीजन की कमी होने के कई कारण हो सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति डायबिटिक हो, किसी में विटामिन की कमी हो गई हो, या किसी को गहरी चोट लग गई हो, इन सब कारण से किसी अंग में ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। तो अब इसका निवारण क्या है? इसका सबसे अच्छा निवारण ये है कि आप तुरंत ही अपने शरीर में मूवमेंट करना स्टार्ट कर दो, गहरी गहरी सांसें लेना शुरू कर दो। इससे खून का सर्कुलेशन पूरे शरीर में तेजी से होने लगेगा और गहरी सांस लेने की वजह से ज्यादा ऑक्सीजन आपके शरीर में पहुंच सकेगा। ऑक्सीजन मिलते ही उस पर्टिकुलर अंग को एनर्जी मिलना शुरू हो जाएगी और वहां पर झुनझुनी बंद हो जाएगी। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करना। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में।